सो ये है वीवो V21 5G का स्मार्टफोन। करेंगे इसकी सील को ब्रेक और आज करेंगे इसी वीडियो में आज इसी की फ़ोन की अनबॉक्सिंग। तो सील को ब्रेक करते हुए फटाफट से बात करते हैं। सामने तरफ ब्लू कलर में काफ़ी अच्छा टेक्सचर V21 लिखा हुआ है 5G के साथ में। पीछे ही फ़ोन की कुछ हाईलाइट वगैरह यहाँ पे मिल जाने वाली है जो कि आगे बात करूँगा वीडियो में। नीचे ही आपको फ़ोन की डिटेल वगैरह या कलर्स की बात करूँ या इसके वेरिएंट की बात करूँ और भी काफ़ी सारे फीचर इसमें जो पीछे मेंशन किए गए हैं। फिलहाल इसकी एक और सील को कर लेते हैं हम यहाँ से ब्रेक और बात करते हैं अंदर। तो अंदर सबसे पहले रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन जो कि कुछ इस तरीके से रैपर में क्या हुआ। फटाफट से करते हैं इसको बूट करके साइड में रखते हैं। नीचे देखते हैं सेक्शन में क्या मिलता है। तो नीचे मिलता है इसका एक बैक कवर जो कि इसको जल्दी से इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। फटाफट से इंस्टॉल करके काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इंस्टॉल करके इसको रखते हैं फटाफट से साइड में और बात करते हैं। नीचे आपको सिम इजेक्टर टूल कुछ पेपर वगैरह मिल जाते हैं इसी फ़ोन की जानकारी के लिए। नीचे आपको इसमें 33 वोल्ट का वीवो फास्ट चार्जर 2.0 मिलने वाला है और इसी के साथ आपको Type-A to Type-C केबल मिल जाती है जो कि फ़ोन को फास्ट चार्ज करने के लिए होने वाले। 3.5 mm वीवो को ब्रांडिंग वाले ईयरफोन से मिल जाती हैं और इसी के साथ इसमें नीचे एक अच्छी बात होने वाली कि आपको मिल जाता है 3.5 mm जैक कनेक्टर मिल जाता है इसमें टाइप सी के साथ में जिससे आप अपने बेसिक ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बात करें फ़ोन के हम अगर बैक साइड में तो बैक साइड में फ़ोन काफ़ी ग्लॉसी लुक लगने वाला है अट्रैक्टिव लुक के साथ आने वाला है। एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आता है ये। बेसिकली साइड में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलता है काफ़ी अच्छा और एक वन हैंड फील काफ़ी स्मूथली और काफ़ी लाइट वेट यहाँ पे फील होने वाला है। फ़ोन की लुक की बात करें तो डेफिनेटली इसमें आपको 5-star फ़ोन की लुक में मिलने वाले हैं। फ़ोन की अगर हम थिकनेस की बात करें तो उसमें भी आपको फ़ोन के काफ़ी अच्छे आपको स्टार्स इसमें कंपनी की तरफ से दिए जाने वाले हैं। तो सभी चीज़ फ़ोन में आपको बैक साइड में ग्लॉसी लुक कलर्स वगैरह यहाँ पे ब्लैक कलर है बट आपको लाइटिंग में यहाँ पे ब्लू कलर लगने वाला है। कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पे बैक कलर केस में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ मिलती है यहाँ एल्युमिनियम फ्रेम में और प्लास्टिक में। थिकनेस की बात करूँ वेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 176 ग्राम मिल जाता है वेट मिल जाता है और थिकनेस आपको मिल जाता है 7.29 mm की मिल जाती है। तो 90 Hz रेफ्रेश रेट होने वाला है स्क्रीन का जो कि काफ़ी स्मूथली है। वन हैंड भी आप इसको आसान से यूज़ कर सकते हो। फ़ोन के बैक साइड में ही कैमरा जो मिल जाता है वो है आपको 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें मिल जाता है। स्क्रीन आपको काफ़ी अच्छी मिलती है स्मूथली काफ़ी अच्छे से आपको एक 90 Hz के साथ में आपको यहाँ पे 44 OIS नाइट सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि डेफिनेटली ही आपको बहुत अच्छी इसकी मेन हाईलाइट भी इसका कैमरा है। नीचे और ऊपर बेजल्स काफ़ी कम मिलने वाले हैं आपको जिससे आपकी स्क्रीन काफ़ी अच्छी और बड़ी मिलने वाली है 90 Hz के रेफ्रेश रेट के साथ में। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक अच्छी चीज़ होने वाली है। स्क्रीन आपको मिल जाती है 16.36 सेंटीमीटर 6.44 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत ही स्मूथली और बहुत ही बिग स्क्रीन आपको इस फ़ोन में देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको फ़ोन वेट में भी कम मिलता है डेफिनेटली बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है इसके आपको थिकनेस वो भी कम मिलती है। तो यहाँ पे आपको फ़ोन में सभी चीज़ प्लस पॉइंट यानी कि फ़ोन आपका डेफिनेटली 5-star के साथ में आने वाला है। नीचे आपको मिल जाता है ये डुअल सिम ट्रेवलर इसमें आप दोनों एक टाइम पे 2 5G नैनो सिम यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली ये अच्छी बात होने वाली है। यहाँ पे 5G का सपोर्टेबल है डुअल उसी के साथ टाइप सी पोर्ट मिल जाता है माइक्रोफोन मिल जाता है स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। सिंगल स्पीकर है बट स्पीकर की जो आवाज़ है वॉल्यूम वो काफ़ी अच्छा और ऊपर नॉइज कैंसिलेंस के लिए माइक मिल जाता है। लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है और राइट साइड में मिल जाता है पावर लॉक एंड अनलॉक कीज़ और वॉल्यूम अप एंड डाउन की कीज़। सो बात करें सिक्योरिटी की सिक्योरिटी फिंगरप्रिंट मिल जाता है आपको इन डिस्प्ले और फेस अनलॉक मिल जाता है। दोनों ही काफ़ी अच्छे से और फास्ट वर्क करने वाले हैं फेस अनलॉक भी और फिंगरप्रिंट भी। सो काफ़ी सिक्योर है काफ़ी फास्ट है अच्छे से आपको वर्क करने वाले हैं और उसके साथ आपको चार्जिंग भी मिल जाती है इसमें 4000mAh बैटरी के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जर यहाँ पे आपको वीवो की तरफ से दिया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बहुत एक अच्छी बात होने वाली है 4000mAh बैटरी के साथ में आने वाला है फ़ोन। तो फ़ोन की लुक परफॉर्मेंस और डेली वेज में आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली फ़ोन में +2+ पॉइंट होने वाले हैं यानी कि फ़ोन आपको बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। कैमरे के सैम्पल्स की बात करें तो कैमरे के सैम्पल में बहुत ही अच्छा 64 मेगापिक्सल का जो इसका मेन कैमरा है उसके साथ डेप्थ के लिए 8 मेगापिक्सल का उसका माइक्रो के लिए 2 मेगापिक्सल का। तो सभी से आपके फ़ोटो इतने अच्छे और इतने शार्प आने वाले हैं कि इतने डिटेलिंग है और जो कलर है वो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही अच्छा होने वाला है। खैर ये दोनों फोटो आप 8 मेगापिक्सल 2 मिनट यानी कि डेप्थ के लिए और मैक्रो के लिए मैंने शॉर्ट्स की क्लिक करी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली सारे ही पिक्चर आपको एक अच्छी शार्पनेस के साथ दिए जाने वाली हैं या आठ क्लिक होने वाली है। तो इसमें आपको मिल जाता है फ्रंट टच ओएस 11 एंड्रॉयड 11 की लेटेस्ट पावर के साथ में। तो डेफिनेटली फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है और लैग वगैरह वो आपको
यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली, परफॉर्मेंस आपको डबल इसमें मिलती है। काफ़ी सारे इसमें एनिमेशन वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, चार्जिंग से रिलेटेड, फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, फ़ोन के गेमिंग वगैरह और भी ज़्यादा रिलेटेड यहाँ पे एनिमेशन आप अलग कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्री इंस्टॉल ऐप मिलती है, उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो डेफिनेटली। सो अपने यहाँ पे आपको कुछ हॉट गेम्स वगैरह आपको एप्लीकेशन दी जाती है जहाँ पे आप यहाँ से डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हो वीवो के ऐप स्टोर से। तो ये भी यहाँ पे एक अच्छी बात होने वाली वीवो की तरफ से। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाता है मीडिया टेक का डायमेंसिटी 800U एंड्रॉयड 11 के पावर के साथ में। यानी कि फ़ोन आपको डेली बेस में लैग या आप गेमिंग के पर्पज़ से भी अगर फ़ोन को परचेज करते हो या इसको अपने जो मल्टीटास्किंग में भी काम करते हो तो वहाँ पर आपको इतना कुछ भी एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो आपको ये निराश करने वाला है। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली फ़ोन की तरफ से बहुत ही अच्छी चीज़ आने वाली है, ना ही आपको बैटरी बैकअप के मामले में, ना ही आपको प्रोसेसर के मामले में। तो यहाँ पे आपको फ़ोन में सभी चीज़ एक अच्छी प्लस पॉइंट मिलने वाली है। फ़ोन में आपको डेफिनेटली एक अच्छी बात यहाँ पे ये होने वाली है कि 8GB की वेरियंट के साथ में आप यहाँ पे एक्स्ट्रा 3GB रैम इसमें रोम है जो वो बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। नहीं, एक टाइम पे आप 11GB रैम यूज़ कर सकते हो या 8GB रैम भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़ोन में ये चीज़ एक अच्छी बात होने वाली है। और फ़ोन का दोबारा से वही चीज़ कि फ़ोन के सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसका 44MP का OIS नाइट सेल्फी कैमरा, प्लस में आपको इसको आपको जो मिल जाता है वो है इसका लाइट वेट और इसका स्लिम डिज़ाइन जो कि आपका 7.29mm स्लिक डिज़ाइन, यानी कि आपको कैरी करने में इतना आसान और इतना बेहतरीन होने वाला है स्टार्टिंग से ही वीवो के सभी और ओप्पो के सेल्फी के लिए। और वीवो अपना आप जानने लग गया है अपने एक स्लिक डिज़ाइन के साथ में, फ़ोन आप जानने लग गए हैं वीवो की कंपनी को। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने यूट्यूब चैनल को सैनी टेक को। और मैं सोनू सैनी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। तो नई वीडियो के साथ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द मिलते हैं, बने रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर बेल आइकन और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो नई वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। We're about to turn it on.